नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बजाज ऑटो फाइनेंस से आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते या लोन लेते या बाइक पर लोन लेते हो, अगर आपके खाते से EMI कटती है तो EMI से संबंधित संपूर्ण जानकारी को कैसे प्राप्त करते, यानी कि संपूर्ण स्टेटमेंट किस तरह से प्राप्त करें घर बैठे बैठे आसानी से, इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर में ओपन करने के बाद में आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है बजाज ऑटो फाइनेंस EMI पेमेंट स्टेटस। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। कस्टमर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर लॉगिन बजाज ऑटो फाइनेंस, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको कस्टमर लॉगिन वाले ऑप्शन में जाना है, यानी कि स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है कस्टमर लॉगिन के। पहला तरीका है वो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा, यानी कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करते हो और आपके OTP के द्वारा यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। और दूसरा तरीका है वो है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के द्वारा लॉगिन होना। तो यहाँ पे मैं बेसिक जानकारी के द्वारा यहाँ पे लॉगिन हो लेता हूँ। सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे जो LAN नंबर होता है, यानी कि आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको लोन अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं वह एंटर करना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यानी कि यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। जो कस्टमर होता है उसकी संपूर्ण बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे नेम, लोन एग्रीमेंट नंबर जो होते हैं वो, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद में जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको लोन समरी शो होने लग जाएगी, जैसे कि लोन एग्रीमेंट नंबर है, लोन अमाउंट कितना, यानी कि आपके जो व्हीकल लिया है, गाड़ी ली है, तो उस पर आपका कितना लोन अमाउंट है वो, कस्टमर का नाम है, लोन स्टेटस एक्टिव है, टोटल EMI 35 है, EMI करंट EMI कितनी है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी, और नेक्स्ट EMI कितनी है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी बेसिक जानकारी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद में आपको जो व्हीकल डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, यानी कि क्या प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है या किस पे लोन लिया है, जैसे कि यहाँ पे पल्सर पे लोन लिया हुआ है, मॉडल नंबर यहाँ पे शो हो जाएंगे, इंजन नंबर, यानी कि यहाँ पे जो गाड़ी संबंधित बेसिक जानकारी यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपको पूरा स्टेटमेंट डाउनलोड करना है जिस दिन से आप गाड़ी लेते हो और सारी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करना है, यानी कि आपके जो अकाउंट से कितना पैसा कटा है, कितनी EMI ड्यू है और कितना बाउंस चार्ज लिया है वो, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करोगे तो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और लोन नंबर जो यहाँ पे हैं वो शो हो जाएंगे। और यहाँ पे डाउनलोड SOA पे क्लिक आपको करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरा जो स्टेटमेंट है वह डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे जिस दिन से आप लोन लेते हो उस दिन से सारी जानकारी यहाँ पे शो हो जाएगी, यानी कि आपको शुरू से लगा करके एंड तक अकाउंट से कितना पैसा कटा है, अकाउंट संबंधित जो जानकारी है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बजाज ऑटो फाइनेंस से लोन संबंधित, यानी कि अकाउंट से EMI संबंधित जानकारी। अगर जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।